तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हमें बिस्वा में और तकरीबन 10 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की है। देख रहे हो चारों बंदे एकदम लाइन से चल रहे हैं, 3 दिल्ली से, 1 जम्मू से और मैं हरियाणा से। भाई ये वन वे है ना, तो पूरी भीड़ हो रखी है क्योंकि सुबह स्कूल का टाइम हो गया ना, तो इसी वजह से जो बच्चे जा रहे हैं है भाई भीड़ है। जय श्री राम भाई। 22 जनवरी को ना दीपावली मनाई, सही भी, वाह। और क्या बात है यार, जय श्री राम है जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भोले, जय शंकर, जय श्री राम। और आज है मेरा 8वां दिन मुरथल से अयोध्या के लिए। बाकी ये जो भाई हमें कल मिले, कल नहीं परसों मिले थे ना, जो पहले तय करे, तो मैं कल इन्हीं के साथ था पूरा दिन। इनका टाइम टेबल देखा कि कैसे इनका सफर रहता है और अभी भी हूँ। बाकी आगे से मैं सोच रहा हूँ कि यार अलग हो जाए। बाकी ये लिखे आए भाई मेरे लिए गंडे। जय पड़ेगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लो अब तुम्हारे गन्ना मैंने वापस कर दिए, आप मत बोलना, छोड़ देता हूँ। हैं सारे मेरे हैं। हाँ। चल ठीक है, दो ले लूंगा मैं, एक तू ले ले। दस हजार पैसे दे देते मेरे को, मेरे को पैसा दे, ज्यादा नहीं 2-3 लाख रुपए दे दो भाई, फौरन चले जाएंगे, है ना, फौरन चले जाएंगे। मतलब अरे वाह, चलो जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? सब नाम बताओ, तुम नैतिक बताओ। आपका बाबा जी, आपका राम गुप्ता। और यहाँ पर देखे अंकल जी ने हमें सम्मानित कर दिया, धन्यवाद जी, जय श्री राम। अभी मैं हूँ मैं अहमदाबाद के अंदर। भैया नाम भी बड़ा कठिन था मेरे लिए, अभी मैंने इस भाई से पूछ के इसको याद किया। और मैं जा रहा हूँ लखनऊ, लखनऊ यहाँ से अभी 57, अगर आज पहुँच गया तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह पहुँचेंगे भाई, क्योंकि वहाँ पर कुछ भाइयों ने ना यार मैसेज करते जा रहे हैं कि भाई लखनऊ होते आओ और मिल के जाओ, तो ये मुझे थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा, तकरीबन 20-30 किलोमीटर। और कल से एंट्री बंद हो रही है भाई, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमें भी पीछे रोक दिया जाएगा। तो अभी सोच रहे कि लखनऊ चले जाएं, उसके बाद फिर निकलेंगे अयोध्या के लिए। इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एक मंदिर है बाबा मत्तराम का। और एक अंकल जी मिले, उनसे पूछा कि कहाँ पे, तो बता रहे आगे है। आज का दिन भाई इतना बोरिंग हो गया, जब से अपने दोस्तों से अलग हुए थे ना, बस ये वन वे ही है जो चलते आ रहे हैं हम। और गाँव भी इतनी दूर दूर है, कोई ढाबा तो मतलब मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नाम मात्र ही है कोई ढाबा है, तो मतलब 24 घंटे तो खुलता नहीं वैसे है। और मैं ढूंढ रहा था जगह रुकने के लिए, और यहाँ पे ना किसी ने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है बाबा मत्तराम का, वहाँ पर एक बार पता करो, तो जा रहे हैं वहीं पर पता करने के लिए। और लखनऊ अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। भैया इकलौती 2-3 ही दुकान है, और एक दुकान में वहाँ गए, बाकी पूरा कपड़े का मार्केट है। कल से भी हम घूम रहे मार्केट एरिया में आ रहे, जो भी किसी में भी ऐसा सीन नहीं था जो यहाँ था भाई, 2-3 दुकानों पे क्या मज़ा आया। और लोगों ने अब की बार अपने घरों की छत पे टांग रखे हैं जैसे राम के झंडे, तिरंगा, मज़ा आ रहा भाई देख के। नवाबों की सिटी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ से अपन एंटर कर रहे हैं अब लखनऊ में। जैसे जैसे लखनऊ सिटी पास आती जा रही है, वैसे वैसे बिजी एरिया आ गया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है देख रहे हो ना पीछे तक, और रोड भी 2 लेन हो गया एक साइड से। अब मज़ा आ रहा भाई चलाने में कि हाँ हम कहीं चल रहे हैं, कल तो पूरा एकदम बोरिंग एरिया था यार। तो लखनऊ में एंटर होने के बाद एक ये बोर्ड आया जिस पर किलोमीटर तो नहीं लिखा, लेकिन जगह का नाम लिखा है विष्णुपुरी डंडेया परिवर्तन चौक लखनऊ विश्वविद्यालय कपूरथला लोकसभा पूर्णिया और हनुमान मंदिर। और यहीं पर देखो हमारे कुछ भाई जी मिले हुए हैं जो राम जी ग्लास वाले हैं, वो देशराज जी हैं और ओम शिव जी। इधर में अपनी साइकिल है ना देशराज जी। ये जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर देखो भाई जी ने हमारे लिए खाने के लिए वो क्या था पहले, अरे नहीं वो क्या, कचौड़ी और चाय और ये दो बर्फी, ये मिठाई में। धन्यवाद जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय श्री राम। कृपा से सब हो रहा है, सेवा करने का मौका मिले। अरे धन्यवाद जी, आप
हमसे कम जो है ये हरियाणा से चल करके अयोध्या धाम जा रहे हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बस आपको बुलाएंगे राम जी जल्दी, अगले महीने जरूर बुलाएंगे। और जय श्री राम सर जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई लखनऊ जो नवाबों सिटी बोलते हैं जिसको, वाकई में है। अभी 1 किलोमीटर के एरिए में तकरीबन ये मेरी 9वीं चाय थी और बहुत लोगों को मैंने मना भी कर दिया कि भाई बहुत चाय पी लिया मैंने, तो एक भाई भी और मिल गए थे जो कि लखनऊ से ही है। क्यों भाई जी, आपका शुभ नाम? आदित्य सिंह। और भाई जी ना एक एनजीओ से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और भाई जी ने, भाई थोड़ा एनजीओ के बारे में बता दीजिए। हमारे एनजीओ का माध्यम है कि निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क मेडिकल सुविधा पूरे समाज में फैलाई जाए, उसका पहल हो चुका है। शक्ति मिल रही है फौजी ढाबा के सब कदम आगे, मतलब लखनऊ में भी उसका शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से चाहेंगे कि आप सभी साधारण मंत्री। अरे भाई जी धन्यवाद। अभी मैं हूँ लखनऊ के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास। भाई कितना साफ सुथरा मेट्रो स्टेशन है ये देखो, जहाँ से एंट्री हो रही है या फिर ये जो रोड है ना, वाकई में लखनऊ जो सिटी है भाई बहुत ही साफ़ सुथरी है। बस ये थोड़ी गंदगी होती है ना, जो ये गुटखा वगैरह खाते वही आपको लाल लाल मिलेंगे ना, तो एकदम बढ़िया से। अरे क्या ये देखो, उस पर विश्वविद्यालय बना रखा है पूरा। जी भाई जी अयोध्या, जय श्री राम। और वो जो सामने बिल्डिंग है वो है भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग। ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, मुझे लगा था कि ये गुरुद्वारा है, फिर आगे आके देखा कि मंदिर होगा, लेकिन जब ये बोर्ड पड़ा तो यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो पुरातत्व होते ना जो पौराणिक, वो इसमें रखी होगी यार। अब मैं बाहर से तो पढ़ के ये बता सकता हूँ। अभी गुरुद्वारा यहाँ से बचा हुआ 2 किलोमीटर। और भाई ये जो सीन हो रखा ना, एक तो रोड पहले ही बीड़ा है, ऊपर से गाड़ियाँ उस साइड भी खड़ी है, इस साइड भी खड़ी है, और जो जाम लग रहा है ना बार बार, खतरनाक वाला। और मैं देख रहा था ये जो तार लटके हुए ना रोड के ऊपर, भाई जैसे छत्ता होता ना मधुमक्खी का, वैसे ही हो रहा पूरा एकदम, बहुत पीछे से ही है ना जाम लगा, वो ही दिखा रहे। अभी ना यार एक दिक्कत हो गया, जो हमारी सीट थी ना वो एक तरफ झुक गई, क्योंकि उसका जो पाइप था ना वो निकल गया था। और वो भाई ना बड़ी मतलब हिम्मत का काम है, वो पूरा एकदम हार्ड हो रखा ना, तो वो टेढ़ा हो रहा ना कुछ हो रहा, वो भाई से थोड़ी मैंने हेल्प लिया कि भाई कर दे यार यह तो बहुत हार्ड हो भाई, वो पाइप में डल ना रहा वो। और वहाँ पर रैली निकाल रहे भाई प्रभु श्री राम के लिए, देखो एक किनारा एक किनारा, बोलो जय श्री राम। और ये रहा गुरुद्वारा जो कि नाका इंडोला लखनऊ में है। और ये देखो बाहर से कितना मस्त जा रखा है गाड़ी वगैरह। मेरे हिसाब से जो प्रोग्राम होने वाला था ना वो हो चुका है, दिनांक 16-17 जनवरी मंगलवार हो गया भाई। और क्या मस्त है एकदम, पूरा उधर से जो शोरूम वगैरह है ना पूरा सजे हुए, और जो मेन रोड है शुभ गाड़ी आई, देखो ये पूरा एकदम द्वार बना रखे दूर तक। और ये भाई ने बैटरी वाली रिक्शा में ही बेकरी बना रखी है पूरा एकदम सेटअप, कोई किसी को मतलब चलाना है नहीं, एक जगह कहीं भी खड़ी करके अपना काम हो जाए बस। और सामने वाले बोर्ड पे लिखा विटामिन डी की ताकत, लेकिन आज तो सूरज देवता भी निकले ना भाई, और बस खाली डब्बे में दिखा रखा कि आप विटामिन डी की ताकत पा सकते हो। पर बस ये चौक तक आना था, देखना था भाई क्या सीन हो रखा है, बाकी सामने का ये मज़ा है भाई, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रखी है, और ऊपर राम जी के झंडे टंगे हुए हैं।